हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल इंफिनिटी आर्ट स्टूडियो। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 30x45 के प्लॉट एरिया, क्या क्या बना सकते हैं अपने घर को और कैसे डिजाइन कर सकते हैं, छोटे छोटे स्मॉल स्पेसेस को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, हम प्लानिंग को और कैसे अच्छा इम्प्रूव कर सकते हैं, इन सब के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। इस प्लान में स्टेयरकेस के साथ हमने लिफ्ट भी दी हुई है, जैसा कि आप देख रहे होंगे। ये हमारी प्लानिंग है, ये ग्राउंड फ्लोर है, ये फर्स्ट फ्लोर है। इसमें हमने स्टेयरकेस के साथ लिफ्ट भी दी हुई है और क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उनको ग्राउंड फ्लोर पे पार्किंग स्पेस चाहिए था, वो भी सेपरेट। लाइक कि हम जैसा देखेंगे, फर्स्ट फ्लोर ये पूरा एक पार्ट है और ये दूसरा एक पार्ट है, तो इनको ग्राउंड फ्लोर पे भी एक तरफ पूरी पार्किंग चाहिए थी सेपरेट और दूसरी तरफ भी पूरी पार्किंग चाहिए थी सेपरेट। उसके बाद हम इसकी रिक्वायरमेंट की बात करें तो क्लाइंट को 2BHK एक यूनिट वन साइडेड और 2BHK का सेकंड यूनिट एक साइड चाहिए था। उसके बाद हमने स्टेयरकेस को बीच में प्लान किया है, लिफ्ट को प्लान किया है, और लिफ्ट जो है ये हमारी 4 to 6 पैसेंजर की है। जैसा कि आप देख रहे होंगे लिफ्ट का साइज, ये 4 to 6 पैसेंजर के लिए है लिफ्ट का स्पेस। उसके बाद वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को रेड बटन दबा के सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और जितना हो सके उसको आगे बढ़ाएं। तो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ये हमारा ग्राउंड फ्लोर स्पेस है, ये वन साइडेड ओपन है और 3 साइडेड बंद है, तो उसी अकॉर्डिंग हमने इसको प्लान किया है। यहाँ से हमने इसकी एंट्रेंस दी हुई है ग्राउंड फ्लोर से, 10 फीट का हमने एंट्रेंस स्पेस छोड़ा है गाड़ी की पार्किंग के लिए। एक्चुअली जो हमारी गाड़ी की कार पार्किंग के लिए जो स्पेस होता है मिनिमम हमारा 8 feet to 16 feet होता है, और मैक्सिमम इसको 10 feet to 20 feet अकॉर्डिंग टू योर व्हीकल, कि हमारी गाड़ी का लेंथ और विड्थ क्या है उसके अकॉर्डिंग हम इसके कार पार्किंग का स्पेस देते हैं। तो इसके बाद हमने यहाँ से गाड़ी का ये पूरा स्पेस दिया हुआ है, ये पूरा गाड़ी का स्पेस है, और यहाँ पे हमने बीच में लिफ्ट का स्पेस दिया है और यहाँ पे स्टेयरकेस डिजाइन की है, जो ये स्टेयरकेस हमारी ऊपर तक जा रही है, यहाँ से अप हो रही है क्लॉकवाइज। ये पूरा हमारा ग्राउंड फ्लोर का प्लान है। देन अगर हम यही बात करें इसके ऊपर वाले फ्लोर की, तो ये हमारा फर्स्ट फ्लोर प्लान है, ये रोड साइड है। रोड साइड के बाद जब हम ग्राउंड से फर्स्ट पे आते हैं स्टेयरकेस, ये स्टेयरकेस है, यहाँ से हमने एक यूनिट पे एंट्री की, ये ड्राइंग स्पेस है छोटा। एक्चुअली ये प्लॉट साइज थोड़ा छोटा है, इसका स्पेस अच्छा निकला है, आप इसको यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं, छोटे छोटे स्पेसेस को कैसे यूज कर सकते हैं वो हमारे ऊपर है। तो हमने इसको जैसे डिजाइन किया है, यहाँ से एंट्रेंस से ये ड्राइंग एरिया है, यहाँ पे प्लाज्मा है, टीवी का स्पेस, ये पीछे की साइड हमने ये बेडरूम दिया हुआ है, बेडरूम में ये बेड का स्पेस, यहाँ पे हमने छोटी सी कवर दी है, ये प्लाज्मा यूनिट, टीवी यूनिट भी बोलते हैं इसको, यहाँ से इसका ये अटैच टॉयलेट है, बीच में एक शाफ्ट है जिसका टॉयलेट से भी वेंटिलेशन है और इसका बेडरूम के लिए भी वेंटिलेशन है। लाइक कि यहाँ पे हम एग्जॉस्ट फैन लगा सकते हैं, ग्लास लगा सकते हैं, प्रॉपर एक वेंटिलेशन के लिए स्पेस तब मिलता है जब हमारे साइड में ओपन होते हैं, बट अगर हमने शाफ्ट दी हुई है तो हम उसका भी वेंटिलेशन में यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमने ड्राइंग रूम के लिए यहाँ पे भी एक शाफ्ट दी हुई है, ड्राइंग रूम के लिए इसका वेंटिलेशन यहाँ से होगा और किचन का वेंटिलेशन इस साइड से होगा। फिर हम आगे आते हैं तो यहाँ से हमने एंट्री की हुई है और ये एक बेडरूम है जो बालकनी पे है, इसमें ये हमारी कवर्ड एरिया है, ये हमारा प्लाज्मा यूनिट है, बेड है, देन यहाँ पे भी एक अटैच टॉयलेट है जो हमने 2 feet एक्सटेंड किया है बालकनी पे। एक्चुअली हम बालकनी को ज़्यादा एक्सटेंड नहीं कर सकते थे, हमारे पास सिर्फ 2 feet का स्पेस था जो हम बालकनी पे ले सकते थे, तो हमने टॉयलेट को 2 feet के स्पेस को आगे लिया हुआ है टॉयलेट में, और ये बालकनी हमने छोटी सी दी हुई है, विड्थ इसकी ज़्यादा नहीं है बट लेंथ ज़्यादा है। सेम यही यूनिट इस साइड भी है, यहाँ से एंट्रेंस है, ये इसका ड्राइंग स्पेस है, पीछे इसका ये बेडरूम स्पेस है, देन इसका ये टॉयलेट है जिसका वेंटिलेशन प्रॉपर है। उसके बाद फिर हमने यहाँ पे ये शाफ्ट है,
देन किचन, उसके बाद ये बेडरूम स्पेस है और ये टीवी का यूनिट है, ये हमारा कबर्ड यूनिट है और ये आगे की साइड में बालकनी और देन ये टॉयलेट है। एक्चुअली क्या है कि हम जो ये ड्राइंग स्पेस है आप देखोगे तो ये जो ड्राइंग स्पेस है इसमें हम एल शेप में सोफा डाल के छोटा सा डाइनिंग एरिया भी बना सकते हैं। ये हमारे फर्नीचर के अरेंजमेंट्स पे है कि हम उसको कैसे अरेंज कर सकते हैं। एक्चुअली क्या है कि जब हम प्लानिंग करते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है कि हम किस स्पेस में कितना फर्नीचर हमारा आएगा और फर्नीचर को हम कैसे कैसे लगाएंगे कि हमारे स्पेस बच जाए, और एक साइड में हम कैसे छोटे छोटे चीज़ों को लाइक कि आपको प्लांट रखना है प्लांट रख सकते हो, वॉल पे आपको वॉल पेपर लगाना है वॉल पेपर लगा सकते हो, और छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं इंटीरियर की चीज़ें वो हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है। इसके लिए हम अपने आर्किटेक्ट से या अपने इंटीरियर डिज़ाइनर से कंसल्ट कर सकते हैं जिससे कि हमारी इस प्लानिंग को और ज़्यादा बेटर और ज़्यादा यूजफुल बना सकते हैं। तो इसके बाद अगर हम देखें तो मैं यहाँ पे आपको अगर साइजेस और प्लानिंग बहुत ज़्यादा नहीं समझ में आ रही या बहुत ज़्यादा आपको छोटा लग रहा है तो मैं इसके लिए आपको एक इमेज लगा दूंगी प्लानिंग की जो आपको यूजफुल होगा कि आप समझ पाओ कि वो प्लान कैसा है। एक्चुअली ये इमेज मैं आपको दे दूंगी, आपको समझने के लिए बहुत आसानी होगी। ये पूरा एक प्लान है जिसमें जो ग्राउंड फ्लोर हमने बोला था और ये हमारा फर्स्ट फ्लोर है, इसको हम टिपिकल फ्लोर भी बोल सकते हैं। टिपिकल एक्चुअली होता है कि फर्स्ट फ्लोर देन सेम प्लानिंग आपकी सेकंड फ्लोर पे जाएगी और सेम वही प्लानिंग आपकी थर्ड फ्लोर पे जाएगी, उसके बाद आपका टेरेस आ जाएगा, तो इसलिए हम कभी कभी इसको टिपिकल फ्लोर प्लान भी बोलते हैं। तो ये हमारी लैंग्वेज में एक्चुअली टिपिकल, आप लोग इसको फर्स्ट फ्लोर बोलें सेकेंड फ्लोर बोलें थर्ड फ्लोर बोलें ये आपके ऊपर है। ये हमारी प्लानिंग है और ये छोटे स्पेस में बहुत अच्छी प्लानिंग है। 2 BHK के दो यूनिट हैं एक्चुअली हमारे टिपिकल तक जा रहे हैं और ग्राउंड फ्लोर पे हमारी पार्किंग का स्पेस है। क्या है कि आजकल पार्किंग के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, आप घर के बाहर गाड़ियों को नहीं लगा सकते, कई जगह बहुत प्रॉब्लम भी करते हैं लोग, तो मोस्टली यही होता है कि आप घर के अंदर पार्किंग का स्पेस दें तो ज़्यादा बेनिफिट होता है और ज़्यादा अच्छा भी होता है, आपकी गाड़ी भी सेफ होती है, बाहर आप लगाते हैं तो गाड़ियाँ सेफ नहीं होती हैं। आज बस इतना ही, और अभी तक आपने अगर चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें और अपना प्यार दें, घर में रहें, अभी आजकल कोरोना वायरस चल रहा है तो थोड़ा सा घर पे रहिए, सपोर्ट करिए और सेफ रहिए, स्टे होम सेफ होम, थैंक यू।